हेलो बालको, कैसे हो आप सभी? आप अच्छे होंगे आशा करता हूँ मैं। तो यूपी पुलिस के बारे में बात कर लेते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के बारे में बहुत सारे बालक जो है परेशान हैं, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, तो सारी बातें यहाँ पे करने वाले हैं। बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबा लो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिस आप तक पहुँच जाए। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक जो है ये आपका एक इन्फॉर्मेशन है जिसमें लिखा है यूपी पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड लखनऊ की ओर से कॉन्स्टेबल GD एवं फायरमैन के 35,700 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। मैंने आपको एक वीडियो भी सुनवाई थी जो DGP द्वारा बताया गया था, उसमें भी ये बताया गया था और यहाँ भी ये बताया गया 2023 की वैकेंसी। ये देख लीजिएगा, 5 जनवरी 2023 को ये न्यूज़ जो है आपको पता होगा ट्विटर पे जो है चल रही थी। यहाँ पे देख लीजिएगा ट्विटर, तो ट्विटर पे 11:30 बजे जो है ये पोस्ट की गई थी, जिसे मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या चीज़ है। ये बात कर लेते हैं ये है क्या चीज़। देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 35,000+ पद इसमें है। ये क्या होता है, ये सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का जो सूचना विभाग है, इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, ठीक है, ये डिपार्टमेंट है जो कि इन्फॉर्मेशन देता है। और इसी डिपार्टमेंट के जो ट्विटर अकाउंट है उससे मुझे ये जानकारी मिली है जो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ कि आपकी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि फैक है, क्या क्या चीज़ बोल रहे थे, तो बिल्कुल तथ्य के आधार पर ही मैं बात करने आता हूँ आपसे जब भी चैनल पे आता हूँ। तो बात कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चों की यही है कि उम्र में छूट मिलेगी नहीं मिलेगी। मैं आपको पहला नोटिस दिखाता हूँ, 2018 में जो नोटिस आया था इसमें लिखा था पुरुष अभ्यर्थियों ने दिनांक 1/7/2018 को 18 वर्ष पूरी कर लेनी चाहिए उसे, ठीक है, और 22 वर्ष की आयु उनकी जो है अर्थात उसमें 2 जुलाई 1996 से पूर्व या 1 जुलाई 2000 से बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। ये इन्होंने लगे महिलाओं के लिए भी दिया है इन्होंने। अब इन्होंने यहाँ पे ये देख सकते हैं आप जुलाई, ठीक है, ये 1 जुलाई 2018 हमेशा जब भी वैकेंसी आती है तो अब भी ये वैकेंसी है 1 जुलाई से मांगी जाएगी, 1/07/2023, ये पक्की कंफर्म कर लीजिए आप, ये इसी से मांगा जाएगा जब भी वैकेंसी आएगी 1 जुलाई 2007, 1 जुलाई 7 जो आपकी 2023 में मांगी जाएगी, आपकी एज वो यहाँ से ही काउंट करी जाएगी। बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे थे कि एज के बारे में बताइए सर, छूट मिलेगी नहीं चलेगी। अब इसमें बात छूट की आती है तो छूट इसमें मेरे हिसाब से डेफिनेटली मिलनी चाहिए। आगे तो देखिए नोटिस में पता चलेगा क्या होना क्या नहीं, लेकिन 3 साल की छूट आपको पता होगा केंद्र में SSC GD की भर्ती में दी है, और आपने देखा होगा अलग अलग राज्यों की जितनी भी वैकेंसी निकल रही हैं वो सब छूट दे रहे हैं, तो इसमें भी आपको छूट मिलनी चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन थी बच्चों की, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती आपकी बहुत जल्द जुलाई तक आ जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, धन्यवाद।